नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल ग्रीवा। मैं हूं ग्रीवा और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप एक शॉर्ट वीडियो क्रिएटर हैं या फिर आप शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं, नया चैनल आप स्टार्ट करने वाले हैं या फिर ऑलरेडी चैनल आपका है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, सोचिएगा भी मत, क्योंकि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर आज की ये वीडियो किस टॉपिक पर है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी तक जब आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते थे तो हो सकता था कि आपका शॉर्ट वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता था, तो आपको शॉर्ट फंड वगैरह मिल जाता था। अदरवाइज कुछ भी नहीं होता था, आपकी शॉर्ट वीडियोस वायरल हो जाती थी, आपको अच्छा लगता था, आप शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते थे। बट अब इससे आपकी अर्निंग होने वाली है, ये तो आप सबको पता ही है कि अब आपका शॉर्ट वीडियो भी मोनेटाइज होगा और आप उससे भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स अच्छे तरीके से कैसे देख सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से आप लॉन्ग वीडियो का एनालिटिक्स देखते हैं। आप ध्यान देते हैं कि कौन से जेंडर के लोग आपकी वीडियो को ज्यादा देखते हैं, किस ट्रैफिक सोर्स से आपकी वीडियो ज्यादा चल रही है, किस एज ग्रुप के लोग आपकी वीडियो को ज्यादा देखते हैं, और काफी सारी चीजें आप लॉन्ग वीडियो के एनालिटिक्स में देखते हैं। बिल्कुल यही सब आप शॉर्ट वीडियो में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से अपने वीडियोस की एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे तब तक आपकी वीडियोस वायरल होना थोड़ी सी मुश्किल है। सो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से अपने शॉर्ट वीडियो का पूरा एनालिटिक्स देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं कि आपकी वीडियो जो है वो किस ट्रैफिक सोर्स से ज़्यादा चल रही है, कौन से एज वाले ज़्यादा उसे देख रहे हैं या फिर कौन सा जेंडर उसे ज़्यादा देख रहा है। इससे आपको कई सारे फायदे होते हैं। जिस भी एज ग्रुप के लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, बिल्कुल उसी एज ग्रुप की तरह की आप वीडियोस बना सकते हैं, उसी जेंडर के हिसाब से आप वीडियोस बना सकते हैं। सो आपकी एनालिटिक्स जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके चैनल के लिए, आपको उसे समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो चलिए फिर जानते हैं कि आप अपने शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स कैसे अच्छे से देख सकते हैं, ताकि जब भी आपके शॉर्ट वीडियो का मोनेटाइजेशन हो जाए तब आप काफ़ी अच्छी खासी अपने शॉर्ट वीडियो से अर्निंग कर सकें और अपने शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स को काफ़ी अच्छे तरीके से आप समझ सकें। क्योंकि आपको पता है कि आपको 3 महीने के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ अपने चैनल पर कंप्लीट करना है, तो जब तक आप अपने चैनल का एनालिटिक्स ठीक से नहीं समझेंगे तब तक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से अपने शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो शॉर्ट वीडियो का एनालिटिक्स देखने के लिए आपको सबसे पहले किसी वेब ब्राउजर में अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डैशबोर्ड आपका ओपन होगा, उसके बाद आप इस तरफ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको शॉर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। अब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो शॉर्ट का पूरा एनालिटिक्स होता है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से आप अपने शॉर्ट्स का ट्रैफिक सोर्स भी देख सकते हैं कि आपकी शॉर्ट वीडियो कैसे चल रही है, शॉर्ट फीड में चल रही है या फिर आपकी शॉर्ट वीडियो यूट्यूब सर्च से चल रही है। आप इसका जियोग्राफिक्स वगैरह भी देख सकते हैं, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सी मोर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग वाइज यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आ गए हैं। जो भी चीज़ें आपको देखनी है उस पर क्लिक करके आप वो सारी डिटेल्स यहाँ पर अपने शॉर्ट वीडियो के बारे में देख सकते हैं, यानी कि आपकी शॉर्ट वीडियो परफॉर्म कैसे कर रही है, कैसे वो व्यूवर्स के पास तक पहुँच रही है, कौन से जेंडर वाले लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर कौन से एज ग्रुप के लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, किस कंट्री में आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, किस सिटी में देखी जा रही है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने शॉर्ट वीडियो के बारे में देख सकते हैं। और यहीं से अपनी वीडियोस का, अपने चैनल का पूरा एनालिटिक्स समझकर आप उसी तरीके से वीडियोस बना सकते हैं जिस एज ग्रुप के या फिर जिस जेंडर के लोग या फिर जहां आपकी जिस कंट्री में ज़्यादा वीडियो आपकी चल रही है, बिल्कुल उसी के हिसाब से आप अपनी वीडियो बना सकते हैं। और यहां पर आप केवल शॉर्ट वीडियो ही नहीं बल्कि अपनी लॉन्ग वीडियो या लाइव स्ट्रीम, कम्युनिटी टैब, हर चीज़ों का एनालिटिक्स आप यहां से देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो फिर से बता रही हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।